आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अपडेट आपके सामने रखते हैं। 25 अक्टूबर को वाराणसी आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को वो यहां से लॉन्च करेंगे। 65,000 करोड़ की स्वास्थ्य भारत योजना को भी वो लॉन्च करेंगे। वाराणसी मेहंदीगंज में पीएम सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन पर काशी में भारी जनसमूह की तैयारी चल रही है। सभा के लिए तैयार होने लगा है अभी से मैदान और पीएम के दौरे को लेकर पार्टी स्तर पर पदाधिकारियों ने भी कमर कस ली है। सह प्रभारी जिलाध्यक्ष ने बैठक करके जिम्मेदारी दी है। कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करके लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं इस रैली में शामिल होने के लिए। 65,000 करोड़ की स्वस्थ भारत योजना को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उधर विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव से पहले बीजेपी की एक अहम बैठक हुई है जिसमें सभी विधायकों को बुलाया गया है। अब से थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी विधायकों की यह बैठक और सपा के भी सभी विधायकों की थोड़ी देर में बैठक शुरू होने जा रही है। सभी विधायकों को विधानमंडल दल के कार्यालय में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। भाजपा ने बैठक में सभी विधायकों को बुलाया है और साथ ही सपा के विधायकों की भी थोड़ी देर में बैठक होने वाली है। विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव से पहले बीजेपी की अहम बैठक हुई है और आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे स्पीकर ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है, लेकिन उससे पहले बीजेपी और सपा दोनों अपने अपने विधायकों के साथ बैठकें कर रहे हैं। सपा के सभी विधायकों की बैठक थोड़ी देर में होगी। विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव से पहले बीजेपी की अहम बैठक हुई है। भाजपा ने बैठक में सभी विधायकों को बुलाया है। उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। 2007 के बाद अब लगभग 10 साल के बाद यह चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में सपा और बीजेपी दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और आज स्पेशल सेशन है विधानसभा बुलाई गई है जिसमें कि उपाध्यक्ष पद पर भी चुनाव होगा। उससे पहले बीजेपी और सपा दोनों ने अपने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव से पहले बीजेपी की यह अहम बैठक अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रही है। तो जिन 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं वहां की चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भाजपा मुख्यालय दिल्ली में आज एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और पार्टी के मोर्चा प्रमुखों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के टिप्स देंगे। इसके साथ ही बीजेपी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। बैठक में पीएम मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक देश भर में जो सेवा और समर्पण अभियान चलाया गया था उस पर भी चर्चा होगी। सभी नेताओं को इस अभियान की उपलब्धियों से जुड़े हुए रिपोर्ट कार्ड को लेकर आने को कहा गया है। इस बात की भी संभावना है कि बैठक के अंत में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो, हालांकि पीएमओ ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। तो दिल्ली बीजेपी की बैठक पर विनोद सोनकर का बयान सामने आया है। भाजपा संगठन की पार्टी है और इस तरह की बैठकें होती रहती हैं। ये कह रहे हैं विनोद सोनकर। बैठक में चुनाव के साथ संगठन के दूसरे कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। जो जिम्मेदारी दी गई थी उसकी समीक्षा की जाएगी। तो ये जो बैठक आज भाजपा की होने वाली है, जेपी नड्डा इस बैठक को करने वाले हैं, उस पर विनोद सोनकर ने कहा है कि संगठन की पार्टी है भाजपा और इस तरह की रिव्यू मीटिंग होती रहती हैं। जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उन पर समीक्षा की जाएगी। जो जिम्मेदारियां लोगों को दी गई हैं उन पर आज मंथन होगा। दिल्ली में बीजेपी की बैठक पर विनोद सोनकर ने बयान दिया है। भाजपा संगठन की पार्टी है और इस तरह की बैठक होती रहती है। आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। सबको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए भी नेताओं मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक है। हमारे साथ बातचीत में मौजूद है राष्ट्रीय सचिव और कौशाम्बी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर जी। सर, क्या कुछ आज चर्चा की जाएगी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बरतबा बैठक जैसे जेपी नड्डा अध्यक्ष बने हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की बैठक पार्टी है, जिसके कारण संगठन की बैठक इस तरह पे समय समय पर होता रहता है और संगठन को लेकर अनेक प्रकार की चर्चाएं होती रही हैं, होती रहेंगी। आज प्रमुख चर्चा क्या होगी कि चूंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो किस तरीके से उसको लेकर चर्चा होगी? देखिए, पार्टी में संगठन के साथ साथ अनेक विषयों के साथ साथ चुनाव पे भी चर्चा होती है, लेकिन मूलतः जो संगठन का काम है उस संगठन पे भी चर्चा होगी। जिस तरह से 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण का कार्यक्रम हुआ है और पिछले समय में संगठन को लेकर अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए गए हैं, उन सभी की भी चर्चा होना है। क्या आप आगे के लिए भी पदाधिकारियों को काम सौंपे जाएंगे?
निश्चित रूप से जिस तरह का अभियान है उसमें पार्टी चर्चा करके समय समय चल रहे अभियान पे कार्यक्रमों की समीक्षा और कार्यक्रमों का देना ही पार्टी और संगठन का मूल उद्देश्य है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर, जिनका कहना है कि आज पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और उसमें आने वाले कार्यक्रमों को लेकर दायित्व सौंपा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सेवा और समर्पण कार्यक्रम किया गया था पीएम के जन्मदिवस से पहले, उसकी भी चर्चा की जाएगी। सुनील के साथ अविनाश तिवारी, वीपी गंगा, दिल्ली।